हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। आई होप कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। दोस्तों, आज मैं एक खास वीडियो बना रहा हूँ मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि रोबोटिक्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड है। दोस्तों, अभी अभी एक कंपटीशन हुआ था रोबोटिक्स का, इसमें मेरे फिफ्थ स्टैंडर्ड के कुछ स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था और उस कंपटीशन के अंदर तकरीबन 65 स्कूल्स ने हिस्सा लिया था। उनमें से ये बच्चे लोगों का सेकेंड नंबर आया, यानी कि 65 स्कूल्स में से जो सेकंड रैंक वाला है मेरे स्टूडेंट्स का। तो उन्होंने ऐसा क्या प्रोजेक्ट बनाया है, हालांकि उनकी उम्र के हिसाब से ठीक है प्रोजेक्ट, इतना भी कुछ बड़ा हाई फाई प्रोजेक्ट नहीं बनाया रोबोटिक्स का, लेकिन कुछ नई चीज इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है। तो अभी इस वीडियो के अंत तक आपको मालूम पड़ेगा उनके प्रोजेक्ट्स, वो प्रोजेक्ट कैसे काम करते हैं। बेसिकली ये प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि उन्होंने एग्रीकल्चर रिलेटेड एक प्रोजेक्ट बनाया था, यानी कि खेती के काम के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें खेती करने में काफ़ी आसानी हो जाए। जैसे आपको मालूम ही है, आगे चल के जो पूरी तरह से जो जमाना आने वाला है वो रोबोटिक्स का आने वाला है या ऑटोमेशन का जमाना आने वाला है, और उसके लिए रोबोट्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो उसी के बेसिस के ऊपर एक रोबोटिक्स का डेमो लोग ने बनाया था, और सच बात बोलूँ तो बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया था और उनकी खुद की मेहनत है। तो चलिए देखते हैं आज इस वीडियो में कि किस प्रकार का उन्होंने रोबोट बनाया था। तो चलिए देखते हैं क्या बनाया आप लोग ने। एग्रीबॉट्स। ये कैसे काम करता है? ये हमारा प्लांट कटर है, ये यहाँ पर सब कुछ। ओके, तो यहाँ पे आप इसको नीचे रख के प्लांट्स को कट कर सकते हैं, राइट? यस, हम प्लांट्स को कट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने दो ब्लेड्स लगाई है दोनों सीरीज पे। ठीक है, बंद करिए, बंद कीजिए। एक के ऊपर एक सीडीज रख के हमने ये किया है। ओके, और ये पीवीसी पाइप यूज किया है। ओके, तो ये आप एग्रीकल्चर के लिए यूज करोगे, प्लांट कटिंग के लिए? ओवरग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, अगर फॉर प्लांट्स ओवरग्रोथ हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, काटना मुश्किल होता है, तो उसके लिए ये आसान तरीका है, आसान तरीके से काट सकते हैं। ऑन कीजिए। ओके, पर ये बहुत डेंजरस है तो उसको संभाल के यूज करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट कौन सा रोबोट है आपके पास? ये हमारा एग्रीबॉट है, ये हमारा एग्रीबॉट है। यहाँ पर ये हमने मशीनरी यूज की है, जैसे अप एंड डाउन मूव हो सकता है। ओके, तो जैसे कि ये जो है डिगिंग करने के लिए काम में आएगा, ये डिगिंग करने के लिए, और यहाँ पर जो होल्डर है वहाँ पर एक सीड्स का बॉक्स लगता है, यहाँ पर जिसमें फर्टिलाइजर्स डाल सकते हैं, यहाँ सीड्स भी डाल सकते हैं, यहाँ पर वो कनेक्ट हो सकता है और नीचे जब होल्स में से वो गिर सकते हैं। ये एक स्मॉल मॉडल है और एक ट्रैक्टर का, जैसे कि ऐसे फ्यूचर प्लान बन सकते हैं ऐसे, और जिस लेन में ये डिग करेगा उसी लेन में सीट मिलेगा। सीट ऐसी मशीन होती है। अगर हमने 12 वोल्ट बैटरी लगाई है विच इज कनेक्टेड टू दिस, तो ये जैसे हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो जिस मशीनरी वर्क्स है वो डिगिंग का मशीन ऊपर नीचे होता है, मतलब जो हम लोग डिगिंग करते हैं खेती के लिए तो वो उससे होगा, राइट? करके होता ऊपर नीचे। ओके, और बाकी आगे पीछे जाने के लिए रोबोट को? आगे पीछे जाने के लिए। ओके ओके, और इससे क्या होगा? ये हमने सीड्स, इसमें हम सीड्स डाल सकते हैं, जैसे इस डिगिंग करने के बाद सीड्स ऑटोमेटिकली फॉल होते जाए, मतलब वही टाइम में गिरते जाए। ठीक, तो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो उन्होंने जो रोबोट बनाया था वो आपको पसंद आया है। इसी तरह से कई सारी चीज़ें हम लोग एम्बेडेड सिस्टम्स में ला रहे हैं, जल्दी हमारा एम्बेडेड सिस्टम का ऑनलाइन कोर्स शुरू हो जाएगा। अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऑनलाइन कोर्सेज के लिए कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे बिंदास मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हो, मेरा नंबर ऑलरेडी स्क्रीन में घूम रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर लिसनिंग।